मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और साथ ही मोदी सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया। गृह मंत्री जी आ रहे जिले में, मेरे जिले में, उनका हार्दिक स्वागत है। आज ये हालात बने क्यों हैं कि प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते थे और लोग सुनते थे, ऐसी क्या स्थिति बन गई अब उनको नागरिकता संशोधन कानून, NRP, NCR को लेकर के सफाई देने फिर रही है। पूरे मुल्क में लोग भेज रहे हैं नेताओं को, जाके जनता को समझाओ कि नौबत क्यों आई है। मैं पूछना चाहता हूँ, स्थिति इतनी गंभीर है, पूरे देश के लोग सड़कों पर है, पार्टी से हटके सड़कों पर आ गए हैं, नई पीढ़ी सड़कों पर आ गई है, अपने भविष्य को लेकर के देश का युवा चिंतित है। ये नौबत क्यों बनी? आसाम के अंदर NRC हुई, 1,600 करोड़ रुपये खर्च हुए, 19 लाख लोग आउट हो गए, 19 लाख मेरे 16 लाख हिंदू है उसके अंदर, वहाँ लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो समझ जाना चाहिए, जो अनुभव आसाम का है उस अनुभव को पहले जाकर एग्जामिन करें। जूरी बैठी हुई दिल्ली के अंदर, वो सुनवाई कर रही है, वो लोग कहते हैं कि आसाम के लोग अवसाद में चले गए थे जब NRC हुई थी, लंबी लंबी लाइनें लगी नोटबंदी की तरह, उनके डॉक्यूमेंट पूछे गए, डॉक्यूमेंट थे नहीं तो और डॉक्यूमेंट पूछे गए, कितनी बड़ी प्रक्रिया, कितने लोग मारे गए, कितने लोग आत्महत्या हुई। और ज्यादा जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता दयाल सिंह फोनलाइन पर जुड़े हमारे साथ। दयाल, हमने देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर रहे, विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, क्या कुछ अहम बातें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, बताएं। देखिए रवि, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर और कल भी जोधपुर दौरे पर रहेंगे। बताना चाहूंगा, सुबह जब एयरपोर्ट पर आए तो मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आपके CAA बिल के ऊपर आड़े हाथों लिया और बोला कि जिस तरह से ये फैसला एक तरफा खुद BJP ने लिया है, जो भी देश भर के जितने भी दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री, उनसे किसी तरह का कोई मंत्रणा नहीं की, विपक्ष को किसी तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं की और सीधा अपना फैसला लेकर थोप दिया। जो आज देश में जनता जिसका विरोध कर रही है, जो सड़कों पर है, उसकी सफाई देने के लिए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। इससे तो पहले ये होता कि वो पहले सबको समन्वय लेते, एक दूसरे से बात करके फिर ऐसा कोई कानून लाते तो आम जनता उनके पक्ष में होती, लेकिन अब वो इस बात के लिए सफाई देते फिर रहे हैं। जी दयाल, जोधपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किस तरीके से स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिला? निश्चित ही बताना चाहूंगा, जोधपुर शहर में जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ आज। जिस तरह से रोडों पर भी कांग्रेस के झंडे से सजाया गया और मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट भी पहुंचे थे और जितने भी आयोजन हो रहे हैं वहां मुख्यमंत्री की सभा में बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। जी दयाल, ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल भी जोधपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, इस दौरे को लेकर क्या कोई जानकारी आपके पास है, कल किस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? देखिए बताना चाहूंगा जी, कल मुख्यमंत्री जोधपुर दौरे पर रहेंगे, उस दौरान भी विकास कार्यों का जगह जगह उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः एक जोधपुर के शिक्षा के लिए एक कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। अभी जो है मुख्यमंत्री सरदार स्पोर्ट्स एकेडमी में जो विकास कार्य है उनका उद्घाटन किया है और एक ओसवाल छात्रावास, महिला छात्रावास का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया है। जी दयाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आज और कौन मौजूद रहा इस दौरे के दौरान? बताना चाहूंगा कि जोधपुर जिला के प्रभारी मंत्री और साथ ही जो उच्च शिक्षा मंत्री है वो मुख्यमंत्री के साथ आज दौरे पर हैं। जी दयाल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में यहां पर उत्साह देखा गया, भव्य स्वागत उनका किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर यहां पर निशाना साधा।